सो गाइस, आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 20,000 रुपीज के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाती है। एक आपको Realme ब्रांड की ओर से देखने को मिलती है, Realme 9 5G AC वेरिएंट, और दोस्तों आपको सेकंड स्मार्टफोन जो है Redmi ब्रांड की ओर से देखने को मिलती है, Redmi Note 11 Pro Plus 5G वेरिएंट। दोस्तों आज दोनों ही स्मार्टफोन का फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि 20,000 के रुपीज अप्रोक्स में जो है आपको कौन सी स्मार्टफोन बाय करनी चाहिए। सारी चीजें आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर सके। और वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों कंपैरिजन में सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों Realme में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है वो 6.67 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 16M कलर रिप्रोडक्शन, कलर सेचुरेशन आपको बेहतरीन देखने को मिल रही है, और साथ ही में 600 nits की ब्राइटनेस लेवल और 401 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले अच्छी मिल रही है बट सनलाइट में आपको डिस्प्ले यूज करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। उसी जगह Redmi अगर की बात कर ले डिस्प्ले की, तो 6.67 इंच की आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन ये डिस्प्ले आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 16M कलर रिप्रोडक्शन, कलर सेचुरेशन इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में भी आपको बेहतरीन देखने को मिल रही है। 1200 nits की ब्राइटनेस लेवल, 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है, मतलब सनलाइट में डिस्प्ले आपको बहुत ही ब्राइट देखने को मिलने वाली है। और इस डिस्प्ले का जो नाम दिया गया आपको सनलाइट डिस्प्ले नाम आपको देखने को मिल जाती है। सो कंपेयर टू Realme, Redmi स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस डिस्प्ले की आपको Redmi की अच्छी देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अब दोनों ही स्मार्टफोन में से परफॉर्मेंस कौन से स्मार्टफोन की बेस्ट देखने को मिल जाती है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों Realme में आपको Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिपसेट देखने को मिलती है, नंबर ऑफ कोर 8, आर्किटेक्चर 64-bit और Adreno 642L की आपको GPU देखने को मिल जाती है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में आपकी तबाही होने वाली है। उसी जगह अगर Redmi की देख लिया जाए तो Qualcomm Snapdragon 695 की प्रोसेसर देखने को मिलती है जो कि 5G चिपसेट है, नंबर ऑफ कोर 8, आर्किटेक्चर 64-bit और Adreno 619 की GPU देखने को मिलती है। गेमिंग एक्सपीरियंस आपके इस स्मार्टफोन में भी बेहतरीन होने वाली है। तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होने वाली है, तो AnTuTu स्कोर की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो Realme में आपको अप्रोक्स 5 लाख AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाती है और Redmi में 4 लाख AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों Redmi के स्मार्टफोन में जो है आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। अगर आपकी फ़ोन हीट होती है तो तुरंत ही वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा आपको जो है Realme में देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों आपको अगर बाय करना है तो आप Redmi के साथ जा सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन अगर हीट होती है तो तुरंत भी वो नॉर्मल हो जाती है, और गेमिंग के समय जो है आपकी स्मार्टफोन हीट होती है, दोनों ही स्मार्टफोन आपकी हीट होती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है स्मार्टफोन कैमरे परफॉर्मेंस के लिए जो है बाय करना चाहते हैं, कैमरे के लिए बाय करना चाहते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है। Realme में आपको 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर सेंसर देखने को मिल जाती है। उसी जगह Redmi में अगर दोस्तों देख लिया जाए तो आपको 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर देखने को मिलती है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल की आपको मैक्रो शूटर सेंसर देखने को मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी में भी आपको जो है Redmi आगे देखने को मिल जाती है, पिक्चर क्वालिटी भी आपको Redmi की ही अच्छी देखने को मिल जाती है, 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर देखने को मिलती है। फ्रंट की अगर दोस्तों बात कर लें तो फ्रंट दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल जाती है, सेंसर देखने को मिल जाती है, पिक्चर क्वालिटी अप्रोक्स आपको दोनों की ही सेम देखने को मिल जाती है। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी की, बैटरी कंपैरिजन की, दोनों में क्या बैटरी मिल रही है। तो 5000 mAh की बैटरी आपको दोस्तों दोनों में ही देखने को मिल जाती है, लेकिन Realme में आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है और उसी जगह Redmi में आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप आपको सेम देखने को मिल रही है बट चार्जिंग स्पीड आपको Redmi में अच्छी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों प्राइस अगर देख लिया जाए तो आपको Realme जो Realme 9 AC आपको देखने को मिलती है वो आपको 20,999 में देखने को मिल जाती है, और Redmi की जो आपको Redmi Note 11 Pro Plus 5G वेरिएंट है वो आपको 21,999 में देखने को मिल जाती है। सो अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा करके आप Redmi के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको Redmi में बेहतरीन देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस, कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, सारी चीज़ें आपको Redmi में अच्छी देखने को मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को
लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।